क्या चाहिए? थोड़ा पानी मिल जाता। बाबा जी, ये सेठ दुविधा राम का घर है। आप तो आगे बढ़ो बाबा जी, आगे बढ़ो। कौन है रामू? संत के चेहरे पे बड़ा तेज है, कोई चमत्कारी बाबा लगता है। इन्हें यूं ही वापस नहीं जाने देना चाहिए, शायद कोई वरदान वगैरह। कैसा मूर्ख है, अबे संतों से ऐसे बात करते हैं, हैं? आप अंदर आइए महाराज, पानी ही क्यों, भोजन करके जाइए। अबे जल्दी जा और बाबा जी के लिए बढ़िया सा खाना लगा। आइए आइए आइए। भाई वाह, आनंद आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। दुविधाराम, ये तुम्हारे लिए। ये एक पारस पत्थर है, इसे छुआते ही लोहा सोना बन जाता है। देखो ऐसे सोना बन। सोना? इसे हम तुम्हें एक महीने के लिए दे रहे हैं। एक महीने में जितना सोना बना सको बना लो, हम पूरे 30 दिन बाद आकर इसे वापस ले जाएंगे। अच्छा हम चलते हैं। कमाल है, ये तो वाकई चमत्कार है, लोहे को सोना बना देता है। अरे रामू। जी मालिक। जल्दी देख, घर में कोई लोहे की चीज है तो ला जरा। लोहा? अपने तो सारे बर्तन भांडे पीतल के हैं मालिक, अपने लोहा है कहाँ? अरे सुन मेरी बात, तू बाजार में जा, जितना भी लोहा मिले 10 मन 20 मन सारा तुलवा के ले आ। पर ठहर, पहले भाव पूछ कर तो आ। मालिक मालिक, भाव में तो बहुत तेजी है और सब कह रहे हैं कि लोहा तो आसमान छू रहा है। तो फिर थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अभी तो बहुत समय पड़ा है, जल्दी क्या है। ऐसा कर, रोज भाव पता करता रहे, जिस दिन भाव गिरेगा खरीद लेंगे। सारा लोहा सोना बन जाएगा, मैं सेठ दुविधाराम राजा से भी ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, ये सेठ कर क्या रहा है? कौन है? अरे बाबा वापस आ गए। लो भाई, जैसा हमने कहा था हम लौट आए हैं। आज 1 माह पूरा हो गया है। अरे यहाँ तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा हम छोड़ गए थे। तुमने पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया? खैर महीना तो बीत गया है, तुम्हें ये पत्थर लौटाना ही होगा। अरे रामू देख, कुछ पड़ा है, लोहे का कोई बार तराजू। अब कुछ नहीं। मानव तनसा पारस पत्थर, प्रभु ने तुझे थमाया, तू मूरख उपयोग नकीना, सारा जन्म कमाया।